नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। पीएम जॉर्जिया मेलोनी पहली बार बीजिंग पहुंची। चीनी अखबार ने लिखा, नाराज जिनपिंग को मनाने आई। 2013 में बीआरए प्रोजेक्ट से हटा था इटली। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 5 दिन के दौरे पर शनिवार शाम को बीजिंग पहुंची हैं। ये उनकी पहली चीन यात्रा है। अपनी 5 दिन की दौरे पर मेलोनी सोमवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मिलेंगी। पीएम मेलोनी चीनी नेताओं से दोनों देशों के बीच बिजनेस को बढ़ावा देने और यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने जैसे मुद्दों को लेकर बात कर सकती हैं। इटली चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से साल 2019 में जुड़ा था और ऐसा करने वाला G7 का एकमात्र देश था। इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इटली की आलोचना की थी और कहा था कि चीन उसे इस प्रोजेक्ट के जरिए कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद मेलोनी ने दिसंबर 2023 में बीआरआई से अलग होने का फैसला किया था। इटली पीएम ने आरोप लगाया था कि इसके जरिए शी जिनपिंग विदेशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इटली के बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना एक बड़ी गलती थी। वे ये नहीं कह सकती कि वे अपने देश में चीनी निवेश का स्वागत करती हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। अखबार ने आरोप लगाया कि मेलोनी सरकार इटली में चीनी निवेश रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। चीनी अखबार के मुताबिक पीएम मेलोनी की इस यात्रा के दौरान रविवार और सोमवार को बीजिंग में इटली चीन बिजनेस मीट का आयोजन होगा, जिसमें इटली की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले 1 साल से तनाव जारी है। मेलोनी इस यात्रा के जरिए इटली के व्यापारियों के लिए चीनी बाजार खोलना चाहती हैं और इटली में चीनी निवेश ले जाना चाहती हैं। चाइना डेली ने लिखा, यूरोप में मेलोनी का प्रभाव बढ़ा। चीन की अंग्रेजी वेबसाइट चाइना डेली लिखता है कि फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देशों में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। इस वजह से यूरोपीय यूनियन में इटली का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। मेलोनी की ये यात्रा चीन के साथ यूरोपीय यूनियन के संबंधों के लिए भी अहम साबित हो सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।